रविचंद्रन अश्विन के तूफानी बल्लेबाजी से टीम इंडिया वर्सेस बांग्लादेश फर्स्ट टेस्ट मैच के फर्स्ट इनिंग्स अपने नाम किए। जी हाँ दोस्तों, टीम इंडिया के लॉन्ग टेस्ट सीजन बांग्लादेश टेस्ट सीरीज के साथ शुरू हो गया है। इंडिया वर्सेस बांग्लादेश फर्स्ट टेस्ट मैच में बांग्लादेश के कैप्टन नजमुल हुसैन सांतो टॉस जीतकर पहले फील्डिंग चुने थे। पहले बैटिंग करने के लिए उतरने के बाद एक तरफ यशस्वी जायसवाल टीम इंडिया के पारी को संभाल रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ से विकेट गिरता गया। रोहित शर्मा 6 रन पर, विराट कोहली 6 रन पर और शुभमन गिल डक पर पवेलियन वापस जा चुके थे। इसके बाद यशस्वी जायसवाल और ऋषभ पंत के बीच हमें छोटी पार्टनरशिप देखने को मिली। ऋषभ पंत 39 रन बनाए और यशस्वी जायसवाल 56 रन पर नदीम राणा के शिकार हुए। बांग्लादेश के लिए दो सेशन बहुत अच्छा जा रहा था। फर्स्ट सेशन में टीम इंडिया 88 रन बनाए 3 विकेट गवाकर और दूसरे सेशन में भी टीम इंडिया 88 रन बनाए 3 विकेट गवाकर। बांग्लादेश के लिए हसन महमूद 4 इम्पोर्टेंट विकेट चटकाए। इसके बाद थर्ड सेशन में हमें रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा के बीच एक कमाल का 195 रन का पार्टनरशिप देखने को मिला, जिसमें रविचंद्रन अश्विन 112 बॉल पर तूफानी सेंचुरी लगाए और दिन के अंत में 102 रन पर नॉट आउट रहे और दूसरी तरफ रविंद्र जडेजा भी 86 रन पर नॉट आउट रहे और डे वन में टीम इंडिया का स्कोर है 339 फॉर 6 विकेट्स। सो गाइस, आपको क्या लगता है, क्या डे टू में रविंद्र जडेजा शानदार सेंचुरी लगा पाएंगे? आपका ओपिनियन कमेंट में जरूर बताना।